दलित चेतना रैली है और मैं आपको बता दूं कि कानपुर में खड़ा हुआ हूँ कंपनी बाग चौक पे, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी की एक मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं कि झंडे बैनर लेकर के युवा आए हुए हैं। और मैं कंपनी बाग के चौक पे खड़ा हूँ, वहीं पर ही आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर की एक विशाल प्रतिमा है जिसपे ये लोग सबसे पहले नमन करेंगे और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बाइकें हैं, कार हैं, मोटरसाइकिलें हैं और ये लोग जो हैं वो अपना एक मोर्चा निकाल के यहाँ से लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय दलित पैंथर की तरफ से ये एक बाइक रैली हो रही है और अब बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। आइए मैं आपको मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश भी करता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कि हम सब अभी भी जिंदा हैं बाबा साहब के लिए, कि अमर कहने के लिए अमर रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज रैली हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है, उस उपलक्ष्य में की जा रही थी थोड़ा चेतना के लिए, दम चेतना के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे आज जो हम लोग जन चेतना रैली निकाल रहे हैं बाबा अम्बेडकर साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलने के लिए और अपने लोगों को, आवाम को, सबको ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलने में हम सबकी भलाई है, इस देश का उत्थान है, इसलिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत हम लोग चल करके काम करेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के संविधान के तहत चल करके काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है और वो 131वां जन्मदिन आज 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है और अप्रैल जैसे ही शुरू, माह शुरू होता है, बाबा साहब का जन्मदिन पूरे माह मनाया जाता है। और आज 3 तारीख को भी एक बाइक रैली के रूप में बाबा साहब को याद किया जा रहा है और उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये भारतीय दलित पैंथर के द्वारा जो अंबेडकर चेतना रैली का जो हम लोगों ने आयोजन संस्था के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग ये अंबेडकर चेतना रैली निकालते हैं, क्योंकि आज हमारे मसीहा का जन्मदिन आने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, जो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं या जो उन्होंने किया है, हम उनको अब बार बार नमन करते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब की बदौलत आज हम लोग स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने का हमें जो रास्ता दिखाया है, जो आज उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, आज हम लोग उन्हीं के रास्ते पर चलकर आज हम लोग ये कर रहे हैं। आज हमारे मसीहा का जन्मदिन है और हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि एक यही एक ऐसा मसीहा था जिन्होंने मानव मात्र को एक बराबरी का अवसर दिलाया। बाबा साहब ने भी तो कहा था कि संगठित रहे और संघर्ष भी करते रहे, संघर्ष भी हो रहा है और अब लोग संगठित भी हो रहे हैं। भारतीय दलित पैंथर ने आज एक रैली निकाली थी और बाबा साहब के जन्मदिन पे यहाँ पर रैली निकाली गई थी। मैं आपको बता दूं कि एक बाइक रैली थी और बाइक रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और रैली में बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, महिलाएं, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस कानपुर में सभी लोगों ने यहाँ पर इस रैली में हिस्सा लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रैली जो है वो सिर्फ बाबा साहब की जयंती के लिए मनाई जा रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर हैं और मौजूद हैं और सभी लोग जो है वो बाबा साहब को नमन करने के लिए भी इस पार्क में भी आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ है और महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं और सभी लोग हैं और बाइकों का रैला जो था वो ज़बरदस्त था, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर सभी लोग बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। 1 तारीख से ही ये लोग शुरू हो गए हैं और पूरे अप्रैल ये जन्मदिन मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि एक बार और अध्यक्ष महोदय से बात करने की कोशिश करता हूँ कि सर आप कहाँ से ये बाइक रैली निकाल के लाए हैं और इस टाइम आप कहाँ पर हैं?
बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति CSA गेट से हम लोग अंबेडकर चेतना रैली लेकर आ रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति कंपनी बाग में जो है नाना राव पार्क में वो जो है वहाँ पर लोगों को संदेश देना है कि बाबा साहब की कृपा से हम लोग जिंदा हैं, बाबा साहब की कृपा से हमें रिजर्वेशन मिला दलितों पिछड़ों को, बाबा साहब की कृपा से हम IAS से लेकर राष्ट्रपति बने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत के संविधान के साथ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मनु को आगे ला रहे हैं और मानववाद को पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए सभी मानववादी लोगों से, अम्बेडकरवादियों से, संविधान निरपेक्ष लोगों से उनसे मेरा अनुरोध है कि भारी संख्या में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाएं। ये जो आप जो जयंती का कारवा चला रहे हैं और ये बाइक रैली भी निकाल रहे हैं, ये रोज निकालेंगे या हफ्ते में या महीने में, क्या है इसका? अब जो है पूरे अम्बेडकर जन्म दिवस तक आपको ये भी हम अवगत करा दें आपके माध्यम से कि विश्व में किसी की इतनी बड़ी अंबेडकर जयंती के अलावा कोई विश्व में महापुरुष की जयंती इतनी नहीं होती है जितनी बाबा साहब अंबेडकर की होती है। इसलिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं, कस्बे-कस्बे में जा रहे हैं, जिले-जिले में जा रहे हैं और लोगों को चेतना पैदा हो रही है, लोग जो है भारी संख्या में इसको जो है जयंती मना रहे हैं। कुछ सालों की अगर बात करें तो क्या कुछ सालों में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानने वालों की तादाद ज़्यादा हुई है या कम हुई है? यह प्रतियोगिता हुई कि कौन सबसे ज़्यादा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पर, तो आपको मालूम होगा विश्व में पहले ऐसे महापुरुष थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और आपको बता दें अब तादाद ज्यादा है कम है? ज्यादा है तादाद, संख्या ज्यादा है और उसको कभी कभी हम लोग टेस्ट करते हैं। 2 अप्रैल को एक तो शहीदों को मैं नमन करता हूं जो 13 लोग शहीद हुए थे, हम सारे अम्बेडकरवादी लोग उन शहीदों को नमन किया, मैंने कल भी किया और आपके चैनल के माध्यम से कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई नेता नहीं, केवल समस्त 85% लोगों ने सड़क पर आकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में हमने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा और सरकार झुकी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो निजीकरण करके दलितों और पिछड़ों के रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पर 2 उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। देश में संविधान में हम लोग ये चाहते हैं कि दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन लागू रहे और बाबा साहब की जय जयकार होती रहे, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, बाबा साहब ने समानता की बात की थी और सभी लोगों को समान रहने के लिए भी कहा था और समानता में सबसे ज़्यादा जो अधिकार मिले थे वो सबसे ज़्यादा अधिकार जो मिले थे वो महिलाओं को मिले थे। मैं महिलाओं से भी जानने की कोशिश करूँगा कि बाबा साहब का जन्मदिन वो किस तरीके से मना रहे हैं। इस बार का बाबा साहब का जन्मदिन आप दीपावली की तरह मनाएंगे? दीपावली की तरह मनाएंगे। क्या मिठाई बांटेंगे, दीपदान करेंगे और नए कपड़े पहनेंगे, जिस तरह से दीपावली लोग मनाते उसी तरह से हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। बाबा साहब का आप कैसे मना रहे हैं? हाँ, इसी तरह हम भी मनाएंगे भैया। और कुछ अलग क्या करने वाले हैं? अलग तो क्या करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। जी, आप कैसे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं? बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग, हमारा समाज जो 85% बहुजन समाज है, धूमधाम से मनाएगा और मनाता चला आ रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे कि हमारे समाज को जो मिला है वो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा मिला है, जिससे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे और बाबा साहब को माने और उनको धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाए। बिल्कुल, कुछ युवा भी है उनसे भी जानना चाहूँगा, आप कैसे मना रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन? हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे,
जी। बाबा साहब ने आपको क्या अधिकार दिए थे जो आप धूमधाम हमें उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलवाया और जॉब करने का अधिकार दिलवाया। आज हम किसी भी फील्ड में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को दी गई है। आप कैसे बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं? भारत रत्न हमारे पूजनीय बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। उस दिन हम लोग ज़रूरतमंदों को मदद देंगे, जैसी भी ज़रूरतमंदों की मदद होगी। हाईलाइट जो अपने यहाँ हैं, जो रोगी हैं जिनके पास पर्याप्त नहीं हो पाता, उनके यहाँ भी हम फल वल बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और बहुत हर्ष उल्लास से जितना हो सकता हम लोग भंडारे करवाएंगे, जितना हो सकता उतना हम लोग हर्ष उल्लास से मनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी बता दूँ कि मैं भारत में रहता हूँ और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मैं इस भारत में जी पा रहा हूँ। मैं भी भारत में बाबा साहब का जन्मदिन जो है वो अपने YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने घर परिवार के माध्यम से मैं ज़रूर मिलाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुझे खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, नौकरी करने और आज अगर मैं ये स्वतंत्रता से अगर मैं बोल रहा हूँ, इस भारत में जी रहा हूँ, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के संविधान की वजह से हूँ। और मैं बाबा साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहा हूँ। आप कैसे मना रहे हैं? 14 अप्रैल आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना हो और शुभकामना हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कानपुर से।